बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है, और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की हिंसा जो है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जानबूझकर वहां पर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? वहां की जो हिंदू कम्युनिटी है वो प्रधानमंत्री मोदी से आस लगाए बैठी है। और इस सब के बाद भारत में आज सर्वदलीय बैठक हुई बांग्लादेश और शेख हसीना के हालात को लेकर, और उस बैठक में राहुल गांधी ने पूछा विदेश मंत्री से कि क्या बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हो रही है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। तो इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पता लगाया जा रहा है, वहां के हालात पर सरकार की नज़र बनी हुई है। और इस बीच एक पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर चेंज की थी और उस पिक्चर में बांग्लादेश की तस्वीर लगाई गई थी। तो ऐसे में भारत सरकार पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए है, और जहां तक विदेशी ताकतों की हाथ वाला बात है तो उसको लेकर भी सरकार की पैनी नज़र इस पर बनी हुई है, इस सबको चेक किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो हिंदू वहां से बेघर हो रहे हैं, जिनके मकानों को तोड़ दिया गया, जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, और करोड़ों की संख्या में ये शरणार्थी अब भारत की मोदी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, खास तौर पर ये जो हिंदू कम्युनिटी है जिस पर वॉयलेंस हो रहा है वो मोदी सरकार की मदद से आस लगाए हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में मोदी सरकार के पास 5 बड़ी चुनौतियां भी हैं। वहां के जो हालात चल रहे हैं उस पर सरकार की नज़र तो है ही, लेकिन साथ साथ 5 बड़ी चुनौतियां भी हैं बांग्लादेश को लेकर। पहली तो ये कि वहां पर हो रहे जो हिंदू कम्युनिटी पर वॉयलेंस है उसे लेकर डिप्लोमेटिक कोशिश करनी होगी, और बांग्लादेश की सेना पर दबाव बनाना होगा ताकि वहां पर हिंदू कम्युनिटी को सुरक्षित रखा जा सके। ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरा ये कि अगर ये शरणार्थी भारत की ओर बढ़ते हैं तो इसे लेकर भी यहां पर तैयारी और उसके लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा। तीसरा ये कि बॉर्डर पर घुसपैठ रोकनी होगी। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो बहुत लंबी है, तो ऐसे में घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करना होगा, और भारत को बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट रहना होगा और यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ानी होगी। चौथा, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, इसे लेकर भी भारत सरकार को रणनीति बनानी होगी और बेहद सतर्क रहना होगा। पांचवा, बांग्लादेश के साथ भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी कदम उठाने होंगे, ये भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस सबके बीच जो फंसे हुए हैं वो बांग्लादेश में वो हिंदू हैं जिनके घरों को, मकानों को, दुकानों को तबाह किया जा रहा है, वो मोदी सरकार से इस वक्त मदद की आस लगाए हैं। The host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to the normal functioning once the situation stabilizes. Chairman sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you.